हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? नमस्ते, जय माता रानी। तो आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी। तो आलू हमने छील लिए हैं। आलू ऐसे छील लेते हैं तो हमारे कुकर जो है काला नहीं होता है, तो इसको हम इस तरह से छील के कट करके ही उबालते हैं आलू। तो और हमने यहाँ सोया लिए हैं थोड़ा सा, और ये लहसुन हमने छील लिए हैं, और ये चार टमाटर लिए हैं, और हरी धनिया। तो चलिए पहले हम आलू को रख देते हैं उबलने के लिए। तो आलू उबलने के लिए हमने रख दिए हैं। तब तक हमारे आलू उबल रहे हैं तो हम ये टमाटर को कट करके चटनी बना लेते हैं, खट्टी मीठी। तो चलिए पहले हम टमाटर को काट लेते हैं। तो टमाटर हमने काट लिए हैं, तो चलिए हम बनाते हैं। कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो चलिए हम तो थोड़ा सा इसमें हम तेल डाल देते हैं, कढ़ाई में डाल देते हैं। तो हमने टमाटर डाल दिए हैं, इसमें हम 5 लाल मिर्च डाल देते हैं, और 3-4 ये लहसुन के। तो चलिए इसको हम अच्छे से पका देते हैं, ज़्यादा इसको हमें नहीं पकाना है। चलिए इसको हम अच्छे से पका लेते हैं, इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो इसमें हम इमली भी डाल देते हैं, थोड़ा सा ये डालेंगे, और थोड़ा सा गुड़ भी डाल देते हैं। इतना से हमने इसमें गुड़ भी डाल देते हैं ताकि हमारी चटनी खट्टी मीठी रहे। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से उसी में पका लेते हैं। तो 2 मिनट हमने इसको पका दिए हैं। तो चलिए हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको रख देते हैं प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो चलिए हमारे ये ठंडा हो गया है, तो हम इसको पीस लेते हैं। चटनी हमने पीस लिए हैं, तो चलिए इसको हम कटोरी में निकाल देते हैं। चलिए तो हमारा चटनी बन गई है, तो अब चलिए हम बना लेते हैं। हमारी हो गई है, तो हमारा कुकर जरा से भी काला नहीं हुआ है। तो आप जब भी कोई भी बनाए तो आलू का छिलका निकाल के ही बनाए, तो ताकि आपका कुकर ये काला ना पड़े। तो चलिए हम आलू को पलटी करते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसको आलू को इस तरह से ऐसे फोड़ लेते हैं, इसको बारीक बारीक कर लेते हैं। तो हमने ऐसे फोड़ लिए हैं, अब इसको हम साइड में रख देते हैं और मसाला भी रेडी कर लेते हैं। तो मसाला में हम ये धनिया ले लिए हैं, सोया ले लिए हैं, और ये लहसुन, और 6-7 मिर्चा हमने ले लिए हैं। तो सोया को हम बता देते हैं, सोया ये है जो हम लोग पालक में डालते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं, तो ये सोया है। तो हमने इसको ऐसे कट कर लिए हैं। तो चलिए हम इसको धो के इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो हमने इसको ऐसे काट के इसमें डाल दिए हैं। तो चलिए हम इसको पीस लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी भी डाल देते हैं। तो मसाला हमारी रेडी हो गई है, तो चलिए हम आलू में मिक्स कर लेते हैं। तो आलू में हम इस तरह से ऐसे ही डाल देंगे, इसको हमें ना छौका लगाना है, ना ही इसको हमें मसाले को भूजना है, बस ऐसे ही मिलाना है। तो इसमें और थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर मिला देते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़े से हमने जीरे पाउडर लिए हैं, तो जीरे पाउडर भी इसी में मिला देते हैं, और स्वाद अनुसार हम नमक भी मिला देते हैं। तो हम इसको अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, और हमारा जो ये मसाला था तो थोड़ा सा ये बच गया है, तो कोई बात नहीं है। तो हमारा ये ज़्यादा गीला ना होने पाए ये आलू के बेसन। तो चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर से तड़का दे देते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। तो इसमें हम पचफोरन डाल देते हैं। तो पचफोरन आप सबको तो ही मालूम होगा, तो इतना सा हम पचफोरन इसमें डाल देते हैं। ये हमारे लाल हो गई है पचफोरन, अब इसमें हम थोड़ा ऐसे डाल देते हैं, तड़का दे देते हैं, और ये ठंडा थोड़ा हो जाएगा तो हम इसको इसी में मिक्स कर देंगे।
तो चलिए इसको हम अच्छे से इसी में मिक्स कर देते हैं जो हमने इसको तड़का लगाए थे, क्योंकि इसको मसाला को पकाना नहीं था इसलिए हमने ऊपर से इसको तड़के दे दिए हैं ऐसे ही। तो चलिए दोस्तों इसको हम अच्छे से मिला दिए हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए हम आटा लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको आटा को सान लेते हैं। आटा थोड़ा हम ढीला रखेंगे, ज़्यादा टाइट ना रहे, ताकि हमारे ये जो आलू के बेसन है अच्छी तरह से उसमें रहे। पहले आटा थोड़ा ढीला रखना चाहिए क्योंकि हमारी कचौड़ियाँ आराम से बन जाती हैं और भरने में भी आसानी होती है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो पहले हम कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो इसको ऐसे चकई बना लेना है, तो इसमें हम ऐसे भर देंगे इस तरीके से। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा ये भर आ गया है। आप आटा जब तक ढीला नहीं करोगे तब तक ये ऐसे कचौड़ियाँ अच्छे से नहीं भरती हैं। तो ये आटा थोड़ा ढीला रखे हैं। तो देखिए कितना मस्त हमारा ये बन गया है। तो हम इसको बेलेंगे नहीं, बस ऐसे हाथ से इसको ऐसे दबा देंगे बस। अब इसको हम कढ़ाई में डाल, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा हल्का से हल्का इसको पलट देते हैं, ज़्यादा एक साइड नहीं पकाएंगे। देखो इसे लाल हो जा रहा है, थोड़ा हमारी तेल गर्म हो गई है, तो इसको हम पहले ही पलट के कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों कचौड़ियाँ हमारी कितनी बढ़िया बनी है और कितना ब्राउन ब्राउन है और कलर भी इसका अच्छा आया है। तो चलिए हमारी कचौड़ियाँ हो गई हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी ये चटनी और ये हमारी कचौड़ियाँ भी बन गई हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी कचौड़ी और ये चटनी कैसी बनी है आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे का वीडियो देखने को मिले। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।